जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने योर वॉइस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हैं हम पटना में। एक नया बिजनेस मॉडल सिर्फ पटना के लिए नहीं, इंडिया के किसी कोने में भी है। ये गवर्नमेंट का क्या प्रपोजल है, ये क्या बिजनेस मॉडल है, समझिएगा इस पूरे बिजनेस मॉडल को। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो भी आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग आपका कोई बिजनेस चल रहा है उसके बाद भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से दो तरीका है इस बिजनेस को करने का। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये अभी पटना में खड़ा हूँ, लेकिन पटना से आपका कोई रिलेशन नहीं है। आप बिहार झारखंड में हैं तो इस वर्कशॉप में आइए। इसके अलावा हिंदुस्तान के किसी जगह पे आप रहते हैं तो इस टाइप का एक नया बिजनेस मॉडल है। इस पूरे बिजनेस मॉडल को आप सही ढंग से समझने का कोशिश कीजिए। अच्छा बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, नया बिजनेस है। स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की तरफ से गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी, लोन सब कुछ दे रही है। पूरी जानकारी हम लेते हैं और पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये है तेल का टैंकर, यानी कि ये है डीजल टैंकर। अब तक आप जो भी लोग डीजल लेते थे वो जाके पेट्रोल पंप पे डीजल लिया करते थे, लेकिन एक नया मॉडल गवर्नमेंट ने डेवलप किया है जिससे कि सबको रोजगार भी मिले और कम इन्वेस्टमेंट में एक आम आदमी कैसे अपना पंप लगा के अच्छा खासा व्यापार करके कुछ पैसे अर्न कर सकता है। तो ये है एक टैंकर, में एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। इस टैंकर के अंदर सारा सिस्टम लगा हुआ है जैसे कि पेट्रोल पंप के ऊपर लगा होता है। तो सर, थोड़ा सा इसको दिखाइए हमको कि क्या है इसका पूरा बिजनेस मॉडल और कैसे है। देखते रहिएगा ध्यान से, काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है और आपका सपना पूरा हो सकता है इस पेट्रोल पंप वाले इस बिजनेस से। तो ये देखिए, जैसे पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगा रहता है स्क्रीन, जिसके अंदर कि आप कितना डीजल लिए हैं, क्या रेट है, कितना पैसा का आप डीजल लिए, कितना लीटर डीजल लिए, सारा सिस्टम पे लगा हुआ है। साथ में दिया हुआ है एक इसके साथ नोजल। ये देखिए, ये इसका नोजल है और इस नोजल से जैसे जिसको तेल चाहिए होता है वो यहाँ से तेल ले सकता है। और आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो जैसे जो पेट्रोल पंप वाले को बेनिफिट मिलता है वो सारा बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरा बेनिफिट इसमें जुड़ने से आपको क्या है कि कम पूंजी में इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। पेट्रोल पंप खोलने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, बहुत बड़ा लैंड आपको एक्वायर करना पड़ता है, लेकिन इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। आपको एक गाड़ी लेना है, गाड़ी लेने के बाद इसके ऊपर मॉडिफिकेशन कराना है और ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। बहुत कम पूंजी में, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी से कोई अलग बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। टोटल परमिशन में जिस जगह में अभी पटना में खड़ा हूँ, उसके ओनर जो है उनसे मेरा बात हुआ, टोटल एक महीने में, आज अगर आप यहाँ पे आते हैं तो एक महीने में सारा डॉक्यूमेंटेशन के साथ, फैब्रिकेशन के साथ गाड़ी आपको विद इन वन मंथ मिल जाएगी। एक महीने के अंदर आप अपना सोचा हुआ सपना, पेट्रोल पंप खोलने का सपना, मोबाइल पेट्रोल पंप के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं और आप एक अच्छा मुनाफा वाला बिजनेस कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आ रहा है पसंद तो करते रहिए लाइक, शेयर भी करते रहिए साथ साथ, और कीजिएगा सब्सक्राइब नए नए वीडियो देखने के लिए। और उम्मीद करता हूं कि आगे इस तरह की वीडियो आपको मैं और लाता रहूं और दिखाता रहूं और बनाता रहूं, आपके जीवन को प्रॉफिटेबल बनाता रहूं। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।